अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अली हुसैन फ्रॉम अकेडमिया कंसल्टेंसी। आज हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के हवाले से। ये क्या होता है, क्यों जरूरी होता है और किस तरीके से लिखा जाता है। तो बेसिकली लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहता है जब आप फॉरेन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं अपनी अकेडमिक्स को परस्यू करने के लिए। इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोडक्शन आता है जिसके अंदर आप कोई भी स्टूडेंट अपना नाम, अपना आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट का नंबर और अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन डिस्कस करता है। सेकेंडली इसके अंदर लास्ट सिक्योर डिग्री डिस्कस होती है और उसके कोर कोर्सेज डिस्कस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग फॉर बैचलर्स डिग्री, आप अपने इंटरमीडिएट को डिस्क्राइब करते हो, उसके कोर कोर्सेज डिस्क्राइब करते हो। इफ़ यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स, यू डिस्क्राइब योर बैचलर्स डिग्री, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर PhD, यू डिस्क्राइब योर मास्टर्स डिग्री। उसके बाद आपके आ जाते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड। सेकंड टॉपिक इज एजुकेशनल बैकग्राउंड। इसके अंदर हम तमाम अकेडमिक्स, हमारी प्रीवियस अकेडमिक्स को और तमाम प्रीवियस सर्टिफिकेशंस को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वी ओनली डिस्कस द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोटिवेशन और रीजन टू परस्यू द स्पेसिफिक फील्ड। यानी कि हमने, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने बैचलर्स अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किया है तो उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चूज़ करी, या अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग फील्ड का है तो उसने इंजीनियरिंग की चूज़ करी, कोई स्टूडेंट अगर चाहे एरोनॉटिकल की साइड का है तो उसने एरोनॉटिकल ही क्यों चूज़ करी। द थर्ड थिंग इज वर्क एक्सपीरियंसेस। इसके अंदर हम अपने प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंसेस, अपनी इंटर्नशिप्स, इनको डिस्कस करते हैं, भले वो हमारी ड्यूरिंग द डिग्री हो या पोस्ट डिग्री हो। इसके अंदर हम अपनी वर्क एक्सपीरियंस को अपने एकेडमिक्स के साथ कोरिलेट करवाते हैं कि किस तरीके से हमारे वर्क एक्सपीरियंस ने हमें हेल्प करा अपनी स्किल्स को एनहेंस करने में, हमारी एकेडमिक्स को और ज़्यादा ग्रूम करने के अंदर, हमारी एकेडमिक्स के अंदर हमारी नॉलेज को किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के अंदर उसने हेल्प करा। द फोर्थ पॉइंट इज अवर फ्यूचर डिग्री। हम किस डिग्री प्रोग्राम के लिए आगे जाना चाह रहे हैं। मास्टर्स फॉर एग्जाम्पल, एक बैचलर्स का स्टूडेंट है तो वो मास्टर्स किस फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं, किस डिग्री में जाना चाह रहे हैं। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है वाई इटली या वाई द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, कि आप स्पेसिफिक कंट्री के अंदर क्यों जाना चाह रहे हैं और किस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाह रहे हैं। इसके अंदर आप अपनी मोटिवेशन शो करते हैं उस कंट्री की तरफ, उस यूनिवर्सिटी की तरफ। इसके अंदर आप कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, वो मैं फर्दर आपको बताऊंगा जब हम इसको लिखने का तरीका देखेंगे। द सिक्स पॉइंट इज अवर गोल्स एंड प्लान्स। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने मॉनेटरी गोल्स को और मॉनेटरी प्लान्स को डिस्कस करें। इसके अंदर हम अपने एकेडमिक प्लान्स को डिस्कस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो कि मास्टर्स करने जा रहा है वो इसके अंदर ये मेंशन ना करे तो बेहतर रहता है कि वो PhD आगे परस्यू करेगा। हम इसके अंदर ये शो करते हैं कि भाई हम इसके बाद जॉब करेंगे, हम इसके बाद बिजनेस करेंगे, हम इस तरीके से पैसा बनाएंगे, हम इस तरीके से मनी मेकिंग करेंगे। द सेवन पॉइंट इज चैलेंजेस। आप किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर जाते हैं तो आप मल्टीपल चैलेंजेस बेयर करते हैं, जिसके अंदर लिंग्विस्टिक बेरियर होता है, सोशल बेरियर होता है, कल्चरल बेरियर होता है। हम इसको डिफाइन करते हैं, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि हम इसको किस तरीके से ओवरकम करेंगे। द लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। इन दिस पैराग्राफ वी कंक्लूड अवर होल मोटिवेशनल लेटर। चलें अब देखते हैं कि मोटिवेशन लेटर लिखा किस तरीके से जाता है, एक रफ ड्राफ्ट के थ्रू। ओके, तो हमारा जो पहला पैराग्राफ आ गया इंट्रोडक्शन का, इसके अंदर देखें आप जिस तरीके से लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, दिस इज एकेडमी कंसल्टेंसी बेयरिंग पासपोर्ट नंबर दिस दिस एंड दिस, अ बिजनेस ग्रेजुएट फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी पाकिस्तान। इसके अंदर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी, अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, अपने कंट्री के बारे में बताया, अपने पासपोर्ट नंबर, अपना आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट का नंबर दिया और अपना नाम बताया। उसके बाद मैं अपनी प्रीवियस डिग्री को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। I completed my Bachelor's of Business Administration Honors (BBA) Honors in the year 2022 with a cumulative grade point average of 3.72 out of 4. यहाँ पे CGPA इस तरीके से मेंशन कर दी, मैंने अपनी डिग्री के बारे में बता दिया। With core courses including marketing, accounts and finance, supply chain management, human resource management, etc. यहाँ मैंने अपने तमाम कोर कोर्सेज डिस्कस कर लिए। द की पॉइंट इज, जिस भी फील्ड के अंदर आप आगे परस्यू करना चाह रहे हैं आप उसको कोर कोर्सेज के अंदर सबसे पहले डिस्कस करें। If this motivation letter was for an accounts and finance student, तो core courses के अंदर सबसे पहले accounts and finance आता। Let's move to the next paragraph. I was born and brought up in Karachi, Pakistan. छोटा सा brief introduction अपना academics को आगे define करने के लिए। Where I completed all my academics, including my matriculation, intermediate and bachelor's.
इसके अंदर मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन का जिक्र कर दिया, अपने इंटरमीडिएट का जिक्र कर दिया और अपने बैचलर्स का जिक्र कर दिया। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि मैंने ये डिग्री चूज क्यों करी। आई बीन पैशनेट अबाउट पीपल एंड देयर डेवलपमेंट सिंस एन अर्ली एज। आई ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय हाउ पीपल वर्क टुगेदर एंड हाउ दे कैन अचीव ग्रेट थिंग्स व्हेन मोटिवेटेड एंड सपोर्टेड। व्हाइल परस्यूइंग माय एकेडमिक्स आई इनिशिएटेड मायसेल्फ टू द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ से पता चल जाएगा रीडर को कि ये मोटिवेशन लेटर कौन सी फील्ड के लिए लिखा जा रहा है और ये स्टूडेंट कौन सी फील्ड से बिलोंग करता है। तो यहाँ जिस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का जिक्र था, तो मैंने ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से कुछ ओपनिंग लाइंस लिखी हैं पहले, और उसके बाद मैंने अपनी फील्ड का जिक्र कर दिया। मूव टू द थर्ड पैराग्राफ। द सिलेक्शन ऑफ द बैचलर्स प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ बिजनेस वॉज डन थ्रू कंसिडरेशन। अब मैं अपने बैचलर्स प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा और डिफाइन कर रहा हूँ कि फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि मैं ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट बनना चाहता था। लेटर आई अप्लाइड माई एकेडमिक आउटकम्स इन माई इंटर्नशिप्स। अब यहाँ पे मैं अपने वर्क एक्सपीरियंसेस का जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने इंटर्नशिप्स करी और अपने प्रोफेशनल करियर के जरिए अपनी एकेडमिक्स को अप्लाई करा और वहाँ से प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल चीज़ों को हासिल करा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में। मूव टू द थर्ड पैराग्राफ। I'm eagerly looking forward to pursue my master's degree in Italy. यहाँ ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर डिग्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भाई हम अपना मास्टर्स डिग्री इटली के अंदर परस्यू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इटली के अंदर एक्सेलेंट एकेडमिक प्रोग्राम्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल फैकल्टी मौजूद है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी मैंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश थॉट प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं। फिर इसके अलावा हम बता रहे हैं आगे इटली ही क्यों जानना चाह रहे हैं। इटली इज ऑल्सो द होम फॉर वर्ल्ड्स टॉप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज with the best faculty and offer great scholarship to foreign students such as Macy scholarship and other regional scholarships. यहाँ पे हमने डिस्क्राइब करा इटली के बारे में कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं। वहाँ पे हम यहाँ पे उनकी कल्चरल हेरिटेज के बारे में भी बात कर सकते हैं कि वहाँ पे एक रिच कल्चर मौजूद है, हेरिटेज मौजूद है, एक टॉप प्लेस है टूरिज्म के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। फिर इसके बाद हमने वहाँ पे रीजनल स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करी जो कि वो ऑफर करती हैं स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनल स्टूडेंट को। इसके बाद यहाँ पे डिस्कस होगा कि स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी को जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्कस किया गया है। आई वुड बी प्रिविलेज टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, दिस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एज अ स्टूडेंट, वेयर स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू अचीव देयर गोल्स बाय द क्वालिफाइड फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स गेट प्रोवाइडेड विद इन-डेप्थ इनसाइट अबाउट द फील्ड ऑफ स्टडी अलॉन्ग विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी है यूनिवर्सिटी के बारे में। एक जनरल स्टेटमेंट है कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स हाईली क्वालिफाइड टीचर्स के अंडर स्टडी करते हैं, उनके हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस आते हैं, उनको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस कि हम स्पेसिफिकली कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा प्रोग्राम चूज कर रहे हैं। The selection of the University of Dash, यहाँ पे कोई सी भी यूनिवर्सिटी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल काफस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस, देयर कुड बी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सियना, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, एनी यूनिवर्सिटी। द सिलेक्शन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी वॉज डन थ्रू प्रॉपर रिसर्च एज द यूनिवर्सिटी इज अमंग द टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज इन इटली। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को भी शो कर सकते हैं जो वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग के अंदर आती है या इटली के अंदर उसकी कौन सी रैंकिंग आती है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। The University of Dash has competent and skillful faculty related to my field of study, i.e. MSc in Dash. आपका जो भी मास्टर्स प्रोग्राम होता है, if it is MSc, if it is MA, if it is MBA, आप यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे कि यही स्पेसिफिक डिग्री से हमें हासिल क्या होगा, हमारे गोल्स क्या हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। Through the help of this post-graduate degree program, I will be able to uplift my HR and management-related knowledge and make a prominent impression in my professional career. यहाँ पे हमने डिस्कस करा है कि किस तरीके से ये डिग्री जो है वो हमें हेल्प करेगी हमारे करियर को इम्प्रूव करने के अंदर। उसके बाद हम बता रहे हैं अपने गोल्स के बारे में जो हमारे मॉनेटरी गोल्स होंगे। स्पेसिफिकली आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री माई गोल इज टू परस्यू माई प्रोफेशनल करियर इन द फील्ड ऑफ HR and management. My biggest goal after the study tenure is to establish my HR consultancy firm to serve other businesses and individuals. यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है ताकि आप बताते हो कि मैं इस तरीके से पैसे बनाऊंगा। Because अगर आप यूरोप साइड चले जाएँ या किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर चले जाएँ, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आप अपने एकेडमिक्स को किस तरीके से यूज़ करोगे। तो यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से ही मैंशन करा है कि मैं HR पढ़ने के बाद, अपनी HR के अंदर डिग्री कंप्लीट करने के बाद HR की कंसल्टेंसी खोलूंगा और स्मॉल बिजनेसेस और दूसरे इंडिविजुअल्स को HR कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा।
ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड लास्ट पैराग्राफ, इसके अंदर हम चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम एक फॉरेन कंट्री के अंदर फेस करेंगे. जैसे यहाँ लिखा हुआ है, लिविंग एंड स्टडिंग अब्रॉड हैज ऑलवेज बीन अ ड्रीम फॉर मी, बट लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री कम्स विद मल्टीपल चैलेंजेस इंक्लूडिंग लैंग्वेज बैरियर्स एंड सोशल बैरियर्स एटसेट्रा. आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी विल हेल्प मी ओवरकम दीज चैलेंजेस ईजिली. इसके अंदर हमने उन तमाम चैलेंजेस के बारे में जिक्र करा, जैसे कि एक लिंग्विस्टिक बैरियर आता है, लैंग्वेज बैरियर, या सोशल बैरियर आता है, या कल्चरल बैरियर भी हो सकता है. और उसके बाद हमने उसको ओवरकम किस तरीके से करेंगे उस बारे में भी डिस्कस कर लिया है कि मैं अपनी एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी के जरिए इस चीज़ को ओवरकम कर लूँगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन. हमारा कंक्लूजन के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ, लास्टली आई कंसीडर माई सेल्फ अ वर्दी कैंडिडेट फॉर द डैश प्रोग्राम बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग अ पार्ट ऑफ द इटालियन कम्युनिटी ऑफ ओवरसीज स्टूडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. एक कंसाइज बट सॉलिड आपका कंक्लूजन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जो मोटिवेशन लेटर है या लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो कम्प्लीट हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें जो माइंड में रखना ज़रूरी हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को देखते हुए चलना है. सबसे पहले आ जाता है प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म में अवॉइड करना होता है कोई भी मोटिवेशन लेटर लिखने से पहले. अगरचे कि आपके कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर किसी भी राइटिंग के अंदर प्लेजरिज्म होता है तो वो स्ट्रेट अप रिजेक्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से. सेकेंड चीज़, कोई भी फ्रॉजुलेंट या फेक इन्फॉर्मेशन ना डालें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसा जॉब नहीं है, कोई इंटर्नशिप नहीं है, आप उस चीज़ को ऐड ऑन नहीं करें. कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन, फ्रॉजुलेंट इन्फॉर्मेशन अपने किसी भी लेटर के अंदर ऐड ऑन ना करें. थर्ड पॉइंट इज अवॉइड द यूज ऑफ चैट जीपीटी एंड अदर एआई टूल्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज चैट जीपीटी और एआई टूल्स जितने भी हैं सब, ये सब एक किस्म के पैटर्न के ऊपर काम कर रहे होते हैं. और इसको यूज करने के बाद वैसे प्लेजरिज्म चेकर के अंदर आपके पास प्लेजरिज्म नहीं आता, बट अगर चाहिए कि आप देखें तो डिफरेंट लेटर्स जो हैं वो एक जैसा लगना शुरू हो जाते हैं. इसी वजह से वी रिकमेंड नॉट टू यूज चैट जीपीटी एंड अदर एआई राइटिंग टूल्स. नंबर फोर्थ पैराग्राफ इज डू नॉट राइट लेंथी पैराग्राफ्स. लंबे पैराग्राफ लिखने के बजाय छोटे बट ज्यादा पैराग्राफ लिखे जा सकते हैं. एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक टॉपिक को डिफाइन करें. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड एजुकेशन बैकग्राउंड, थर्ड आपके सर्टिफिकेशन आ गए, फोर्थ वर्क एक्सपीरियंस. छोटे छोटे पैराग्राफ, मैक्स 5 to 6 लाइन्स. मेक इट कंसाइज एंड टू द पॉइंट बात करें. बात को घुमाने की जरूरत नहीं है. थाउजेंड्स ऑफ मोटिवेशन लेटर्स होते हैं ऑफिसर के सामने, जो आपकी फैकल्टी होती है उनके सामने, तो उनके लिए बेहतर ये रहता है कि एक कंसाइज और टू द पॉइंट जो होता है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको मिक्सअप ना करें वीज़ा कवर लेटर के साथ. आई हैव हर्ड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि वीज़ा कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर एक ही चीज़ होती है. दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. दीज टू थिंग्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. वीज़ा कवर लेटर इज समथिंग एल्स, मोटिवेशन लेटर इज वॉट वी हैव टॉकन अबाउट. नाउ थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट. थैंक यू सो मच.